गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी गायत्री मैम। मैं आपको फोर्थ चैप्टर चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाया था, उसका मैंने मौखिक प्रश्न करवा दिया था और मैंने सोचा इसका दीर्घोत्तरीय भी करा दूं। दीर्घोत्तरीय थोड़ा बड़ा है, आप लोग घबराएंगे नहीं, इसे 2 बार से 3 बार पढ़ेंगे तो आप इसके अर्थों को समझ जाएंगे और उसे आप फेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रश्न एक एक करके पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अपनी किन विशेषताओं कारण मनुष्य को गुलामी की जंजीरें अधिक खटकती है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य को गुलामी की जंजीरें कुछ इन विशेषताओं कारण खटकती है। चाहे पिंजरे के बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु, सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होते हैं, उसे इसीलिए गुलामी की जंजीरें सदा ही खटकती है। यानी कि इंसान जब परतंत्र हो जाता है तो वो इतनी संवेदनशीलता होती है मनुष्य में कि वो इन चीजों को सह नहीं पाता है। चंद्रशेखर, दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के बचपन की वह साहस भरी घटना क्या थी जिससे उनकी सहन शक्ति का पता चलता है? तो उसका आंसर है, एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों के एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी, और उन्होंने सभी सलाइयों को एक साथ जला दी जिसके कारण उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की, पर चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तीसरा प्रश्न, चंद्रशेखर के नाम के साथ आजाद शब्द कैसे जुड़ा? तो चंद्रशेखर की उम्र उस समय छोटी थी, लेकिन जालियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड से उनके मन पर राजनीतिक असर पड़ा और अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के उपाय सोचने लगे। उसी समय ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आजाद भी इसमें कूद पड़े और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें बहुत यानी 15 बेत मारे, लेकिन वह गांधी जी की जय बोलते रहे। इसी घटना के बाद ही चंद्रशेखर आजाद के नाम से विख्यात हो गए। उन्हें क्यों कहा गया था? क्योंकि वो उस समय भी उस चोटों को भूल गए थे और सिर्फ आजादी के बारे में ही सोच रहे थे, आंदोलन के बारे में ही सोच रहे थे, गांधी जी की ही जय बोल रहे थे, इसीलिए उनका नाम आजाद पड़ा। क्रांतिकारी दल की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह संगठन के लिए धन कहां से मिले। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कोकाड़ी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। क्या क्या था? उन्होंने सरकारी खजाना को लूट लिया था, जिससे कि उन्हें क्रांतिकारी में जो उन्हें खर्च आर्थिक स्थिति से आ रही थी, व्यवहारिक रूप से आ रही थी समस्या, उनके लिए उन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया था। पांचवा है, स्टाफ यार्ड सैंड को मार डालने का निर्णय स्कॉट को और सैंड को मार डालने का निर्णय क्रांतिकारियों ने क्यों लिया? उत्तर है, जब प्रदर्शन करते समय वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोट लगी, इन्हीं चोट के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया, यानी वो मर गए। इसके देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया, यानी वातावरण बहुत दुखी हो गया। इसीलिए चंद्रशेखर और उनके सभी साथी ने सोचा कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट और साइंस को मार डालना चाहिए। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के मृत शरीर के निकट जाने से पहले गोलियां क्यों चलाई? जब आजाद का शरीर बड़ी देर तक निशब्द पड़ा रहा तब पुलिस वाले उनकी ओर बढ़े, किंतु आजाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वो सचमुच मर गए हैं। उनका आतंक के कारण, वो भय के कारण कि अगर आजाद जीवित रहेगा तो हम सबको मार देगा, इसलिए पहले वो मरा हुआ भी है तो उसको
उस चीज को मरे हुए जानने के लिए उसे एक गोली फिर से मार के वो पूरी तरह निश्चित होना चाहते थे कि वो मर चुका है। ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे, आप इन्हें फेर कर लीजिएगा और सही से दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, सही से पढ़िएगा, अब स्कूल जब खुले, जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग अगर मिलेंगे, अगर तुम लोग अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं उन्हें उस समय फिर से तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और सही से पढ़िएगा, अपने मम्मी पापा को बातों को मानिएगा, घर में रहिएगा। बाय बच्चों।